Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, in the last class, if you remember, we were talking about the different laws, right? KTQ, DG, हम लोग पढ़ लिए थे, हमने complete कर लिया था. हमें different laws के बारे में, gas laws के बारे में पढ़ रहे थे. So, basically, gas laws में concept ये है कि हमारे पास सबसे पहले एक basic ideal equation है, which is equal to PV equal to nRT, which links pressure, volume, temperature and number of moles, right? तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इसमें से कोई भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप है तो बाकी दो को जनरली हमें कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. तो बेसिस की व्हाट इज दैट, वी हैव डिफरेंट लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसैक्स लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बात कर चुके हैं कि आर की वैल्यू क्या होती है एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बारे में वी नो इट, राइट? तो दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन. समझने वाली बात यह है कि अगर कोई आइडियल गैस है विच इज फॉलोइंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, any gas, ठीक है, which follows the KTG principles or postulates of KTG, kinetic theory gases postulates, will follow ideal gas equation, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, राइट? इट हैज टू फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन. तो हम जब एज यू विल प्रोसीड एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट कि जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में तो हम डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे. तो डिफरेंट प्रोसेसेस में यू नो बेसिकली दे आर प्लॉट्स बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और वो प्लॉट्स कैसे होते हैं, ग्राफ्स कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और उससे आपको जो डिफ्रेंसिएशन चैप्टर में, जो बिगिनिंग चैप्टर में आपने ग्राफ्स पढ़े थे, उस ग्राफ के बारे में आपकी जो आइडियाज थी, वही आइडियाज आप देखना प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर इनके बीच के रिलेशनशिप में आप देखोगे कि लीनियर है नॉन लीनियर है, ग्राफ कैसा जा रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग वी विल सी. सो ये आइडियल गैस इक्वेशन है. तो आइडियल गैस इक्वेशन से ही बेसिकली अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से ही आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट वी से different laws like Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac's law, right? तो ये सभी laws कैसे बनेंगे, किसी भी दो variable के बीच में relationship है, out of pressure, volume, temperature and number of moles. तो generally जो number of moles है वो हम generally fix रखते हैं. So n fixed है प्लस एनी वन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सॉरी एनी टू ऑफ नो एनी वन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है ना. सो बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि बॉयल्स लॉ में वी कीप एन फिक्स्ड, दैट इज द मास ऑफ गैस फिक्स्ड, एंड वी कीप व्हाट, वी कीप टेम्परेचर फिक्स्ड, देन वी गेट इट्स रिलेशनशिप एज pressure is proportional to 1 by V or PV equal to constant. इसको हम लोग बोलते हैं equation of state. याद करो हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था equation of state, right? उसका मतलब मैंने समझाया था. चार्ल्स लॉ के बारे में बात करें तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि चार्ल्स लॉ में आपका मास या मोल्स एंड प्रेशर इज फिक्स्ड, ठीक है, मास एंड आपका प्रेशर इज फिक्स्ड, राइट, दैट इज एन इज फिक्स्ड and pressure fixed. So we are getting something like volume directly proportional to temperature. ठीक है, basic है, कोई खास बात नहीं, volume directly proportional to temperature. And then we have the Gay-Lussac's law. यहाँ पे आपका n fixed होता है, n हम generally fixed सब जगह पे रख रहे हैं, n is fixed and it is basically volume is fixed. तो यहाँ पे आता है pressure directly proportional to temperature. So this is known as Gay-Lussac's law. ठीक है, तो basically इन सभी लोगों ने ये तीनों लॉ सेपरेटली निकाला, तो उसके बाद इनको कॉम्बिनेशन करके ये आइडियल गैस इक्वेशन बताया गया कि ये आइडियल गैस इक्वेशन इन सभी लॉ को फॉलो किया गया था. तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ ये आया, फिर इनका कॉम्बिनेशन किया गया वो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलने के बाद, एंड देन वी गेट समथिंग व्हिच इज द आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? तो आइडियल गैस इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन वो गैस या फिर वो पर्टिकुलर गैस सेटिस्फाई करेगा जो केटीजी के पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करे, राइट, मतलब केटीजी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करे, वही आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी क्योंकि वो आइडियल गैस है, राइट?
एंड बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल सैक्स लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस, और चार वेरिएबल होते हैं, उसमें से किसी दो को फिक्स कर दो, बाकी दो के वेरिएशन के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज बीइंग शोन बाय बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल सैक्स लॉ. सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग, राइट. तो ये बहुत बेसिक बात है, हमने देखा था. इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वी विल सी इट इन द क्वेश्चंस के जब प्रैक्टिस करेंगे. अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात है, जो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं. पहला फॉर्म जो आपने देखा, विच इज इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये आएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एन इंटू के इंटू टी, ठीक है, एन इंटू के इंटू टी आएगा. ये कैसे लिखा, यू नो दैट के इज इक्वल टू आर बाय अवोगाड्रो नंबर. This is what is K, right? And N जो होता है वो क्या हो जाएगा, number of moles. Number of moles is basically it is number of moles. Number of moles मतलब कितने, मतलब some multiple of Avogadro number. तो इसको अगर हम लोग देखें, तो it will be number of moles will be you know N number of particles, number of particles upon Avogadro number. तो वो करने के बाद हमें N into K into T का relationship मिल जाता है, ठीक है. एक तरीके से इसको लिख सकते हैं ऐसे, और क्या रिलेशनशिप है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन को हम लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट. उससे हमें एक रिलेशनशिप मिलेगी रो आरटी, ठीक है, रो आरटी बाय एम, ठीक है, दैट इज पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आ जाएगी रो आरटी बाय एम, पीवी की वैल्यू एनकेटी आएगी एंड पी की वैल्यू आ जाएगी रो आरटी बाय एम. वी को इस साइड लाए तो डेंसिटी हो गया. अच्छा, और एक बार क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इट विल बी रो के टी बाय कैपिटल एम, राइट, रो के टी बाय कैपिटल एम. आर को आप के के को या फिर आर बाय एन ए को आप के से रिप्लेस कर सकते हो एंड यू विल गेट दिस, राइट. क्या क्लैरिटी है. सो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू नीड टू यूज इट. तो ये सभी फॉर्मेट बेसिकली एक तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, और दूसरा आपको मोल नंबर, यू नो एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का रिलेशनशिप आना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू गेट इट, ठीक है. क्या बात समझ में आएगी, ठीक है. अब देखिए ध्यान से, ये होने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन है ये बेसिक. इसके बाद एक लॉ आती है, इसमें बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पढ़ा होगा आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. बहुत ज्यादा यूज फिजिक्स में नहीं होता है इसका, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आ जाते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि मान लो कोई कंटेनर है, कंटेनर मिक्सचर ऑफ गैसेस है एंड द गैसेस एंड द मिक्सचर ऑफ गैसेस और द गैसेस दैट वी आर कंसीडरिंग आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है. तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिव, मतलब गैसेस के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है. सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस. तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में मान लो दो गैसेस है, दो कितना नंबर ऑफ गैस हो सकता है, मान लो दो गैसेस है उसके अंदर, तो हर गैस का जो प्रेशर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर गैस. नहीं समझा, मान लो एक कंटेनर में दो गैस है, तो दो गैस है, आप अभी पहले क्या मानो कि एक ही गैस है, और उस गैस के कारण आप प्रेशर निकाल लो बाय यूजिंग द इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो उससे जो प्रेशर आ रही है, फिर दूसरा गैस को इंडिपेंडेंट मानो इन द एब्सेंस ऑफ द फर्स्ट गैस, और उसके कारण प्रेशर निकाल लो. और जो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि दोनों के जो प्रेशर आए इंडिपेंडेंट मानते हुए उनका सम करोगे, तो दैट वुड बी द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर व्हेन बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम. दिस इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई, नो, ओके, लेट मी एक्सप्लेन. ये समझ लो, मतलब ये कुछ खास बात नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के एंगल से नहीं है, ये आपको केमिस्ट्री के एंगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ठीक है, फिर भी सुन लो. सो सपोज हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक कंटेनर है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, देयर आर टू गैसेस सपोज ए एंड बी,
ए का नंबर ऑफ मोल्स एन वन है, बी का नंबर ऑफ मोल्स एन टू है, ये कंटेनर का वॉल्यूम वी है, इसके कंटेनर की टेम्परेचर टी है। अब कुछ कुछ बातें यहाँ पे, जब मैं बोलू मिक्सचर ऑफ गैसेस एन बी एन वन एन टू एंड द मिक्सचर इज एट एंड द कंटेनर इज हैविंग सम टेम्परेचर टी, डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इंटरनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज हम टेम्परेचर कैसे बोले गैस का टेम्परेचर टी है। मतलब फिर तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो गैस के अलग अलग रीजन में, इस कंटेनर के अलग अलग रीजन में टेम्परेचर अलग अलग होगी। तो कभी भी देखो ये बोला नहीं जाएगा आपको कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, इंटरनल थर्मल इक्विलिब्रियम में है या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आपको वो मानते हुए, नहीं भी दिया हुआ तो आपको मानते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर टी कैसे बोल दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपने कैसे बोल दिया टेम्परेचर टी है इस पूरे कंटेनर का? तो अगर आप बोल रहे हो इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर टी है, मतलब इस पूरे कंटेनर से आप गैस किसी भी जगह से निकालो, किसी भी जगह से आप गैस गैस को मतलब निकालो और उसका टेम्परेचर लो, तो वो टेम्परेचर टी आएगा। इसका मतलब ये पूरा कंटेनर जो है वो इंटरनल थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड ऑल्सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि इस कंटेनर का टेम्परेचर टी है। मतलब इस कंटेनर में जितने पार्टिकल्स हैं सभी का टेम्परेचर टी है। क्या मेरी बात समझ में आई? सो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर आपको, हाँ दूसरी बात, ये वी क्या है? वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। एक बात मैंने आपको बोली हुई, ये पॉइंट मैंने अभी इलाबोरेट फिर से नहीं किया, बट यू आर अवेयर ऑफ इट कि इन केस ऑफ गैसेस द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे बिकॉज दोनों गैसेस आइडियल है, तो ये दोनों गैसेस की वॉल्यूम का जो सम है, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स को जोड़ के जो वॉल्यूम बनाएंगे और कंटेनर की जो वॉल्यूम बनाएंगे, तो गैसेस के पार्टिकल्स को जोड़ के जो वॉल्यूम आएगी दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो हम ये मानेंगे कि हर पार्टिकल को जो वॉल्यूम मिल रहा है फ्री मूवमेंट के लिए, वो पूरा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड दिस इज स्टेमिंग आउट डायरेक्टली फ्रॉम द केटीजी पोस्टुलेट्स दैट वी हैव रेड। समझ में आ रहा है? मैंने बोला था कि देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इज वेरी वेरी लार्ज, बट एवरी पार्टिकल इज हैविंग सच अ स्मॉल वॉल्यूम कि बहुत लार्ज नंबर से भी बहुत स्मॉल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू काफी स्मॉल आ रही है, ठीक है? इट विल नॉट बी जीरो बट इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम। सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग हियर। सो अब यहाँ पे क्या है, देखो मान लो गैस ए है गैस बी है, तो गैस ए के लिए हम क्या करेंगे? हम ये मानेंगे कि इस पूरे कंटेनर में गैस ए ही है, गैस बी नहीं है। और गैस ए मानते हुए इस कंटेनर में गैस ए की प्रेशर क्या होगी वो निकालनी है। तो प्रेशर ऑफ गैस ए इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ध्यान से देखो ये वॉल्यूम वी लिया है मैंने, आई हैव नॉट सबट्रैक्टेड लाइक वॉल्यूम ऑफ द दूसरा गैस कितना है, आई हैव नॉट डन एनी एफर्ट्स टू फाइंड आउट दैट बिकॉज आई नो कि दिस इज एन आइडियल गैस, सो दिस विल फॉलो द पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस। इफ इट फॉलो द पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ ईच एंड एवरी स्पेसिमेन, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, सब पार्टिकल को, पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन पार्टिकल की वॉल्यूम इतनी छोटी है कि इन सबको जोड़ने के बाद भी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, वो बहुत बहुत स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या क्लैरिटी है? क्या बात समझ में आई है? ठीक है। सो कंटेनर ए के लिए, सॉरी गैस ए के लिए प्रेशर ऑफ ए इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन वन इंटू आर इंटू टी। इससे मुझे प्रेशर ऑफ गैस ए मिलेगा, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ए मिलेगा, व्हिच इज एन वन आर टी बाय वी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, तो बी का जब हम प्रेशर निकालेंगे तो हम ये मान लेंगे कि इस पूरे कंटेनर में सिर्फ बी है और कुछ भी नहीं है, तो प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस बी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन टू आर टी। तो इससे प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू एन टू आर टी बाय वी। तो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सेज दैट द टोटल प्रेशर on the walls of this container is equal to pressure of A and pressure of B as if these are calculated considering the entire volume occupied by gas A in one case and then gas 2 in other case. Usko mante hue hum pura pressure nikal rahe. So it will be something like N1, sorry, RT by V टेम्परेचर वही है, बोलो क्या प्रेशर है, दूसरा गैस उतना ही वॉल्यूम है,
टेम्परेचर उतना ही है, प्रेशर कितना होगा निकाल लो और सबको जोड़ दो, दैट इज द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेज। अगर गैसेज रिएक्टिव हो, मतलब गैसेज रिएक्ट करें एक दूसरे से, देन दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, या दिस लॉ इज नॉट वैलिड। क्लियर है? नोट कर लें। क्लियर है? ओके, इसके बाद अगर आपको याद होगा और आप इसको भी अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से पहले हमने थोड़ी सी चर्चा की थी एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस के ऊपर। एटॉमिसिटी ऑफ गैस मतलब क्या, कि कोई गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है, कोई डाई एटॉमिक है, कोई ट्राई एटॉमिक है, राइट? मोनो एटॉमिक का हीलियम, डाई एटॉमिक हाइड्रोजन, ट्राई एटॉमिक CO2, राइट? ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर CO2, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर NH3 नहीं, क्या हो जाएगा? CO2, CO2 इज लीनियर ना, CO2 इज लीनियर। एक ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर बोलो, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर वॉटर गैस की बात करें, गैस ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। अरे याद क्यों नहीं आ रहा यार? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर एक गैस बोलो, SO2। SO2 है क्या? पक्का? क्या बॉन्ड एंगल याद है क्या? ठीक है, एक बार देख लेना इसके एग्जांपल। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ध्यान सुनो, डिग्रीज बारे हम लोगों ने क्या पढ़ा था उससे पहले। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब इट विल बी मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, ट्राइटॉमिक लीनियर, नॉन लीनियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना? तो अब आती है बात डिग्री ऑफ फ्रीडम। करेक्ट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप सुने ध्यान से, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मैंने क्या समझाया था, कितने तरीके से कोई एक पार्टिकल अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितने मोड्स में, कितने फॉर्म्स में, दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? सो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। अभी देखिए ध्यान से, मैंने एक ग्रिड बनवा के दिया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, राइट? चलिए क्विकली इसको भरे। सो वी आर हैविंग ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी आर हैविंग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी आर हैविंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी आर हैविंग टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर्स, एंड वी आर हैविंग टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, वी आर हैविंग ऑल दिस। सो लेट्स सी ट्रांसलेशनल। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें, मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। इसका मतलब समझो, अभी आप समझ सकते हो इसके बारे में, क्योंकि आपने रोटेशनल चैप्टर किया हुआ है, तो यू विल गेट अ फील ऑफ दिस थिंग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ना एक छोटा सा सेक्शन मुझे अभी कराना है, तो मैं इसी के साथ इंटरस्पर्स करूंगा उसे, और वो सेक्शन है सिंपल पेंडुलम वाला सेक्शन, मोनो डाया ट्राया
मोनोडाया ट्राया लीनियर ट्राया नॉन लीनियर, ठीक है। सुनो, अभी जो सेक्शन है वो सेक्शन मैंने आपको बोला था कि मैं उसे कराऊंगा आपको, लेकिन रोटेशनल के बाद, याद है मैंने आपको सिंपल पेंडुलम छोड़ा हुआ था एसएचएम में, याद है आपको सिंपल पेंडुलम, क्योंकि मैंने बोला था कि उसमें टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का फंडा अभी आपको क्लियर है, राइट। तो ये जो पोर्शन मैं करा रहा हूँ, ये पोर्शन कराने के बाद मैं पहले वो वाला पोर्शन थोड़ा सा इंटरस्पर्स करूंगा, इसके प्रॉब्लम प्रॉब्लम कराने के बाद, बिफोर आई गो इनटू थर्मोडायनामिक्स, लिसन टू मी, बिफोर आई गो इनटू थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स मतलब ये केटीजी के क्वेश्चंस लेने के बाद थर्मोडायनामिक्स में एंटर करने से पहले मैं उस चीज को इंटरस्पर्स करूंगा, फिर थर्मोडायनामिक्स में जाऊंगा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको वो सब आएगा, ठीक है, यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इट, आपको सब आएगा, आपको कहीं पे दिक्कत भी नहीं आएगी, क्लियरिटी एकदम 100% रहेगी, बिकॉज अभी आपने रोटेशनल चैप्टर कर लिया है, ठीक है ना। टुडे नॉट टुडे, सुन ध्यान से, यार आज मैं आपको बोला था मैं आ जाऊंगा बोल के, मैं आया हूँ, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है, मेरा गला फट रहा है, मैं ज्यादा चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ, और काढ़ा पी पी के आपका क्लास ले रहा हूँ, सी माई कमिटमेंट, सी काढ़ा है इसके अंदर, समझे। चलिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सुने ध्यान से, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर हम मोनो लेंगे तो मोनो के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, ट्रांसलेशन, अगर हम डाई लेंगे तो डायटॉमिक के भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? देखो, ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब हमारा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद है, बस राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पार्टिकल कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, या फिर ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, बस दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूँ, ये पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर सकता है, अलोंग वाई एक्सिस मूव कर सकता है, अलोंग जेड एक्सिस मूव कर सकता है, तो इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सिमिलरली अगर मैं एक डायटॉमिक मान लूंगा, एक्स एक्सिस मूव कर सकता है, वाई एक्सिस मूव कर सकता है, जेड एक्सिस मूव कर सकता है, सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनोडाया, ट्राया, ट्राया लीनियर, ट्रायल नॉन लीनियर, ठीक है, ट्रायल लीनियर, ट्रायल नॉन लीनियर, इनके लिए भी तीन तीन होता है, ये सब याद है ना, ये सब एकदम याद होना चाहिए। अच्छा, रोटेशन, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आती है वो फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेटली 60 to 80, मैंने लिखाया था अराउंड 100 केल्विन के आसपास या उसके ज्यादा में, ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि इट इज यू नो इट इज हैविंग रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो इसमें क्या है ना, टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 to 80 केल्विन, इसमें ना अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग बातें बोलती है, ठीक है ना। अभी ऐसा कोई यू नो कंपटीशन के बुक देखोगे तो एक बुक में कुछ बोला रहेगा, दूसरे बुक में कुछ बोला रहेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है, अराउंड 60 से 80 के रेंज में है, उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली होगा, आपको रोटेशनल इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। तो जनरली जो लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर इस हम जनरली लोअर टेम्परेचर में ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों कंसिडर करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 0 है। अच्छा, 0 क्यों है मोनो एटॉमिक के लिए रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्या लॉजिक है उसका? देखो, उसका लॉजिक अभी आपको समझना है। एक एटम जो है मोनो एटॉमिक है, इसकी रेडियस का क्या अंदाजा है आपको, ये कितना हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा हो गया? देखो, एटम का मास भी बहुत छोटा है और इसकी रेडियस बहुत छोटी है, तो अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल जाओ, अगर आप इसको स्फीयर मानते हो, जैसे कि केटीजी में हम इसे स्फीयर मान रहे हैं, राइट, दे आर कंसीडर स्फीयर्स, तो स्फीयर्स की अगर मैं एनर्जी कंसीडर करूं अबाउट डिफरेंट एक्सिस, सपोज मैं जेड एक्सिस के बॉर्डर में इसकी एनर्जी कंसीडर कर रहा हूँ, वैसे मैं कोई भी एक्सिस के बॉर्डर में इसकी एनर्जी कंसीडर कर सकता हूँ, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, मैं किसी भी एक्सिस के बॉर्डर में इसकी एनर्जी कंसीडर कर सकता हूँ। तो एनर्जी कंसीडर करूंगा, सपोज मैंने वाई एक्सिस के बॉर्डर में इसकी एनर्जी कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है तो ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, अभी आपको फील आएगी, हाँ बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, स्फीयर है, स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होती है, ये होती है 2/5 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब सोच, एम तो बहुत छोटा है एटम का, और आर स्क्वायर, आर तो और छोटा है, उसका स्क्वायर, तो क्या ये वाला टर्म ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसको 0 बोलते हैं। रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझो, क्यों किया इसको 0, इसलिए 0 किया। तो ये मोनो एटॉमिक का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं होता है, क्लैरिटी यही है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई से व्हाट आई से, क्लैरिटी यही है। सो ये 0 है मोनो एटॉमिक के लिए। डायटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है रोटेशनल में, 2 क्यों? सुनो, देखो, अगर मैं एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाऊं, अभी आप इसको फील कर सकते हो,
अभी बताने में कोई दिक्कत नहीं है एंड यू विल बी ओवर अप्रिशिएटेड। अगर आपको याद होगा जब ये चैप्टर पहली बार हुआ था उसमें रोटेशनल नहीं हुआ था, तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको आप याद कर लो, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि समझ लो, डिफरेंस यही है। देखो ये है, मान लो ये है बेसिकली, ये इसका बॉन्ड लेंथ है मान लो, तो बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ठीक है, आप लॉजिकली सोचो ये जो डायटॉमिक है कितने तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एक इसका रोटेशन होगा एक्स एक्सिस के अबाउट में, एक रोटेशन होगा वाई एक्सिस के अबाउट में, एक रोटेशन होगा जेड एक्सिस के अबाउट में, अबाउट दिस एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट में ऐसे ऐसे घूमेगा, वाई एक्सिस के अबाउट में ऐसे ऐसे घूमेगा और एक्स एक्सिस के अबाउट में ऐसे ऐसे घूमेगा। अबाउट द दो स्फीयर्स जो है जिनको ड्रॉप जिनको ज्वाइन किया गया एक बॉन्ड लेंथ से, उसके अबाउट में घूमेंगे। तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के अबाउट में ये जो एनर्जी स्टोर करेगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस काफी छोटा है, तो एम आर स्क्वायर ये अभी क्या हो जाएगा एनर्जी, इसकी इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू टू। तो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर इंटू टू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इतनी, सॉरी हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी, टेंस टू जीरो, जीरो इंटू टू करोगे तो जीरो ही होगा। तो ये एक्स एक्सिस में जीरो होगा, वाई एक्सिस के बॉर्डर में नॉन जीरो, बिकॉज ये बॉन्ड लेंथ कुछ कंसिडरेबल डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू द रेडियस। रेडियस ऑफ द स्फीयर के कंपेरिजन में बॉन्ड लेंथ इज मच मच हायर, तो ये जीरो नहीं होता है और ये भी जीरो नहीं होता है। तो इसके इस पास दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है, क्या फील आ रही है? इसलिए इसके पास दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है, क्या फील आ रही है? अब आते हैं ट्राई एटोमिक लीनियर। ट्राई एटोमिक लीनियर का क्या होगा? ट्राई एटोमिक लीनियर में होगा क्या कि ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा कि सेंटर में एक और एटम घुस गया होगा, समथिंग लाइक दिस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? समझ में आ रही है बात? अभी आप समझ भी सकते हो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। तो एक्सेस ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। एक एक्सेस ये है, एक्सेस एक्स वाई एंड जेड, ध्यान से देखो ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, फील करो अभी। अभी फिर से मैं इसके अबाउट में घुमाऊंगा इसको, ठीक है, इसके अबाउट में घुमाऊंगा, इसके अबाउट में घुमाया तो क्या हो गया? ये अभी भी देखो ये रेडियस ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तुम एक लो, दो लो, तीन लो, थ्री इंटू जीरो करोगे जीरो ही आएगा, तो ये जीरो होगा, बट इसके अबाउट में होगा और इसके अबाउट में होगा। सो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इट विल बी 2। ठीक है, ट्राई एटॉमिक लीनियर। अच्छा, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का क्या होगा? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का 3 आता है। कैसे आता है 3? लॉजिकली फील करो, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर कैसा होगा? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर कुछ इस प्रकार का होगा, ध्यान से देखो, ये फील आ रही है ना? अभी समझ में आनी चाहिए बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप यू अंडरस्टूड, दीज ऑल स्फीयर्स एज पर द लॉजिक ऑफ केडीजी, राइट? एज पर द लॉजिक ऑफ केडीजी दीज आर लाइक स्फीयर्स, राइट? सो वी अंडरस्टैंड इट। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अभी अगर आप देखोगे ये, ओप्स सॉरी, ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेसेस हैं ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। अभी देखो इसको रोटेट कराने के तरीके, इसको रोटेट कराने के तरीके अगर आप देखोगे, एक तो आप वाई एक्सेस के बॉर्डर में इसको ऐसे ऐसे घुमा दो, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ आप एक्स एक्सिस के अबाउट में इसको ऐसे ऐसे घुमा दो, और तीसरा तरीका हुआ आप जो जेड एक्सिस है मिडिल पॉइंट इसके अबाउट में भी इसको घुमा सकते हो। सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन व्हिच यू कैन रोटेट इट, सो देयर आर 3 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये समझ में आया क्या? ये फील वाली चीज है अभी आपको, बिकॉज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो आपको ये समझ में बेटर आना चाहिए, क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या डिफरेंस है? ट्रांसलेशन में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल इफेक्ट नहीं होती, वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल इफेक्ट होती है। क्या बात समझ में आई? फिर
फिर से सुनो, ट्रांसलेशन में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल इफेक्ट नहीं होता, समझ में आ रही बात? ट्रांसलेशन में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल इफेक्ट नहीं होती है, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन वाइब्रेशनल में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल विल गेट अफेक्टेड, मतलब विल गेट चेंज्ड। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसका कुछ भी नहीं होगा मोनोएटॉमिक का, क्योंकि कोई बॉन्ड ही नहीं है, बाकी सब में वाइब्रेशन के कारण दो 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 जुड़ जाते हैं एक्स्ट्रा, क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जब हम बोलेंगे इसको हम लोग लो टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, और इन तीनों को कंसिडर करते हैं हम हाई टेम्परेचर में। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर विल बी 3, 5, 5, 6, और अगर हम हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो इट इज 3, 7, 7, 8। सो दिस वर्ड विल कम एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप बोल सकते हो सर इससे बाहर का मॉलिक्यूल या फिर इससे अलग वैरायटी का मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं होती क्या? नहीं, जनरली फिजिक्स में हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? वैसे अगर कुछ और हुआ तो हमें सिर्फ सोचना पड़ेगा कि उस पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, बस दैट्स ऑल। बाकी सब हम कर ही सकते हैं फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उसकी कैलकुलेशन के बेसिस हम कर लेंगे, ठीक है? इसको नोट करो। नेक्स्ट वी विल कम टू मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरी। फर्स्ट याद हो गया ना, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है, बिकॉज़ इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सवेल्स का इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम व्हिच इज लिंक्ड टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये मैक्सवेल्स का इक्विपार्टीशन थ्योरम कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये थ्योरम क्या बोलता है वो याद रखना, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन लिंक्ड होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, मतलब इट हैज समथिंग टू डू विद मॉडर्न फिजिक्स, और ये आपके सिलेबस में ज्यादा इसके बारे में बात नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं कि मैक्सवेल इक्विपार्टीशन थ्योरम कहां से आया। तो बहुत से लोग अपने आप को काफी ये समझ रहे होंगे, वाह चलो अब नहीं सोचना है कि इसका कहां से आया, सिर्फ रटना है, बिल्कुल सही, इसमें आपको नहीं सोचना है कि कहां से आया, ठीक है? वैसे कभी अगर फुर्सत मिले और आपका नॉलेज अगर उस लेवल तक गया हो तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन वो सब्जेक्ट टू कि हाउ मच यू हैव लर्नड व्हाट इज देयर इन योर सिलेबस एंड व्हाट विल गो कम फॉर एग्जाम, तब मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा में, क्योंकि एज यू नो मॉडर्न फिजिक्स इज समथिंग विच इज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज में ही अभी आप बोल सकते हो, हमारा सिलेबस तो काफी नेसेंट है और जो इसमें डेवलपमेंट्स है, इसमें डेवलपमेंट्स अभी भी चल रही है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें अभी भी नई नई निकल के आती हैं जो हमें पता नहीं होता है, सो वी जस्ट नीड टू यू नो रिमेंबर दिस कि व्हाट डज दिस थ्योरम सेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इट इज कमिंग, ठीक है ना? So, जो कॉन्सेप्ट है वो है मैक्सवेल्स, या जो 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 थ्योरम है वो है मैक्सवेल्स लॉ, या लॉ है वो मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? ये है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो वो क्या बोलता है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, इट इज सेइंग दैट एनर्जी एसोसिएटेड विथ each degree of freedom is same and is equal to half kT per molecule per degree of freedom or half RT पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? हाफ के टी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और हाफ आर टी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना? हाफ आर टी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम,
half kT per molecule per degree of freedom. This is what is Maxwell's law of equipartition of energy. This is what is Maxwell's law of equipartition of energy. So, ये क्या बोल बता रहा है कि जो total internal energy है, that can be written as F by 2, half RT, F by 2 nRT लिख सकते हैं हम लोग. देखिए half RT per mole per degree of freedom. एक मोल और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो मॉलिक्यूल जो एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी दैट विल बी हाफ आरटी है ना. तो अगर एन मोल्स हुए तो एन बाय टू आरटी और अगर टोटल एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुए तो एफ बाय टू एन आरटी दैट इज व्हाट इज योर इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी यू नो ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल और ऑफ अ बंच ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर आप एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर n moles of gas है तो उसकी internal energy F by 2 nRT होगी. ठीक है ना. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F by 2 capital N into K into T. ठीक है. Which will be equal to F by 2 PV. From nRT by using the ideal gas equation I can write it as PV. तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. ठीक है ना. और F क्या है. F है number of degrees of freedom जो हम already देख चुके हैं in the previous slide. तो सिर्फ हमें ये देखना है कि किसी भी container में कितने moles of gas हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. बेस इज दैट विल बी एबल टू फाइंड. ठीक है. तो एफ इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड यू इज व्हाट यू इज द इंटरनल एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. देखो हाफ के टी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो एन मॉलिक्यूल्स अगर हैं टोटल तो हाफ के टी इंटू एन इंटू एफ दिस इज गिविंग मी द आंसर. हाफ आर टी इंटू एन इंटू एफ इज गिविंग मी द आंसर. क्लैरिटी. So this is something which you need to understand. तो ये formula हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये जो principle है या law है ये अगर हम भूल गए तो हम ये लिख नहीं पाएंगे. तो याद रखना. इसको रख देता हूँ बक्से के अंदर. Clarity. अच्छा तो हमारे लिए ज्यादा important होता है change in internal energy which is U final minus U initial. देखो ये सब basic definition है. हम इनके बारे में बहुत detail में अच्छे से जानते हैं. Del U मतलब final minus initial. तो U final minus U initial क्या हो जाएगा. It will be F by 2 nR delta T. या फिर इसको लिख सकते हैं F by 2 n k delta T. Right? This can be written as F by 2 into nR delta T can be written as P final V final minus P initial V initial. ठीक है. अच्छा ये जो formula है del U का ये formula मतलब F by 2 nRT F by 2 n k delta T equal to F by 2 P final V final minus P initial V initial. This is applicable मतलब देखो ये हमने ऐसे लिख दिया. अब इसको समझना कि F by 2 P final V final मैंने F by 2 NK delta T या F by 2 NR delta T को कैसे मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ. तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे. देखो अगर हम इस चीज को समझें तो इट विल बी अगर रिएक्टिंग गैसेस हुए अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं हो रही है और नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे देन दिस फॉर्मूला इज ओके. लेकिन अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो रही है इसके ऊपर मैं सवाल कराऊंगा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो रही है मतलब अगर रिएक्टिंग गैसेस है तो अगर रिएक्टिंग गैसेस है तो क्या होने वाला है. तो रिएक्टिंग गैसेस होगा तो आपकी नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगी और आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चेंज होंगी. तो उस केस में क्या होगा. मतलब ये जो फॉर्मूला है F by 2 P final V minus P initial V initial ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर नॉट चेंजिंग. इफ दे आर ऑल्सो चेंजिंग देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला. इफ दे आर ऑल्सो चेंजिंग देन द फॉर्मूला विल बी F initial into N initial into R into T initial minus F initial sorry F final N final R into T final minus F initial into N initial into R into T initial divided by 2. This will be our formula for del U. So कभी कभार वैसे physics में इसके questions कम देखने को मिलते हैं. कभी कभार chemistry में आपको ऐसे question देखने मिलते हैं कि equations में जो reaction हो रहा है उस reaction में number of moles and degrees of freedom दोनों accordingly change हो गए. तो अगर ये दोनों चेंज हो गए तो आपको डेल यू का फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा. यू जस्ट कैन नॉट राइट दिस. सो दिस फॉर्मूला ये आपको समझना है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ मोल्स की जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट है. ठीक है ना. देन ओनली विल बी एबल टू टॉक अबाउट दिस. क्लैरिटी है. ये पहला पॉइंट है. अच्छा दूसरा पॉइंट है कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं. इसके ऊपर कभी कभी कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाते हैं तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई विल डिस्कस अबाउट इट.
सो ये वाला पॉइंट आप लिख लो। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला, क्या ये सबको समझ में आया है? ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था। इसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी की थी शायद, अगर आपको याद है तो। ठीक है, हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, जब हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस बात को याद रखें कि अगर हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं हो रहा है तब हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो रहा है तो वी हैव टू राइट लाइक दैट एज आई टोल्ड यू। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा ये चेंज होगा, प्लीज चेंज कर लो इसको। ठीक है, तो एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। तो एन आर डेल्टा टी को एन इंटू आर इंटू टी फाइनल को हम लोग लिख सकते हैं, टी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, सब सही है। लेकिन अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी चेंज हो रहा है तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक, अब देखो देखो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार लिखाऊंगा। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इसके ऊपर क्योंकि सवाल आते हैं तो आपको समझ में आएंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स ड्यू टू देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस सिस्टम। सेंटर ऑफ मास पे अगर आप बैठ जाओ तो जो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द एनी सैंपल ऑफ गैस और एनी गैस, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस। देखो ये जरूरी क्यों है सेंटर ऑफ मास से डेफिनेशन, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूँ आपको, इसको नोट कर लो। ये वाला भी एक बार नोट करो फास्ट। ओके, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज वी आर हैविंग अ स्पेसिमेन, एक एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, इस कंटेनर में गैस है। सो लेट अस से दैट एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल की मास स्मॉल एम है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ है और इसकी टेम्परेचर टी है, एक पार्टिकल है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वेलोसिटी वी से जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो वेलोसिटी वी से जा रहा है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी कहां से डिफाइन होगी? इसकी इंटरनल एनर्जी डिफाइन होगी इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठने पर, व्हिच विल बी इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी। ये हो गया इसकी इंटरनल एनर्जी। लेकिन टोटल एनर्जी अगर हम बोले तो टोटल एनर्जी इज डिफाइंड फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम से टोटल एनर्जी जो डिफाइन होगी वो हो जाएगी इंटरनल एनर्जी तो रहेगी, प्लस हम जब ग्राउंड फ्रेम में आ रहे हैं तो हर पार्टिकल की ये वेलोसिटी हमें नजर आए। तो ग्राउंड देखो सेंटर ऑफ मास बी से चल रहा है तो हम एज्यूम करेंगे कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, जब सेंटर ऑफ मास बी से जा रहा है इस कंटेनर का, तो अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी विल बी एफ बाय टू एनआरटी, बट इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड फ्रॉम दिस फ्रेम। जब हम सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो जाएं तो पार्टिकल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी सेंटर ऑफ मास से देखने पर, दैट विल बी एफ बाय टू एनआरटी। टोटल एनर्जी अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इट इज इक्वल टू एफ बाय टू एनआरटी जो इंटरनल एनर्जी है, प्लस सारे पार्टिकल्स एन नंबर ऑफ मोल्स है हर, मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का मास एम है, तो हाफ इंटू एन एम टोटल मास हो गया इंटू वी स्क्वायर।
देखो अगर आपको याद होगा हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था एक मतलब रोटेशन मतलब जब रोटेशन में पढ़ रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये दो चीजें हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास पे एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगा इन दोनों का सम, Fe2nRT plus ½nm V2। This is what is your total energy defined from ground frame. Fe2nRT plus ½nm V2। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी। क्या क्लैरिटी है ये? क्लैरिटी है ये? This is what? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एक कंटेनर वेलोसिटी v से जा रही है। मान लो मैं बोलूं कि कंटेनर टकरा गई एक वॉल से और रुक गई, तो वॉल से टकरा के रुक गई, इट इज कोलाइडिंग विद द वॉल एंड इट इज स्टॉपिंग। तो जब वो वॉल से कोलाइड करके स्टॉप हो जाएगी तो ये वाला जो एनर्जी है ½nm V2 ये गायब हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन ये गायब होके जाएगी कहाँ? ये गायब होके इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। तो ये जो उसकी जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के कारण जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी, बिकॉज अब सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन वो पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी? गैस को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो कभी कभार ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि एक कंटेनर चल रहा है, कंटेनर के अंदर गैस है, कंटेनर का सेंटर ऑफ मास चल रहा है, वो किसी चीज से टकरा गया, तो बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? तो जितना ½nm V2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर भी कॉरस्पॉन्डिंग टू ½nm V2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दो चीजें समझना है कि एक तो इंटरनल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरनल एनर्जी विल बी डिफाइंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास पे, और दूसरी है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जब हम बोलेंगे इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम ग्राउंड फ्लो। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो इंटरनल एनर्जी होगी प्लस जो सेंटर ऑफ मास चलेगा कंटेनर का विद सम वेलोसिटी उसके कारण उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, वो दोनों जुड़ेगी तो टोटल एनर्जी आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आई बात? क्लियर है? पक्का 100%? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब इसमें और मुझे अभी मेरे को और केटीजी में कुछ नहीं बोलना, केटीजी में जितना बोलने का था मैंने बोल दिया। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जैसे कि मैंने बोला है, वो न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद फिर मैं जाऊंगा, मैंने आपको बोला है पेंडुलम वाला डिस्कशन में, राइट? पेंडुलम के डिस्कशन करेंगे जो कि एसएचएम के पार्ट का छूटा हुआ था। इट विल टेक मी 2 days टू कंप्लीट दैट मोस्टली। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएंगे फिर, ठीक है? सो वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल पार्ट टुमारो। जितनी थियोरी बताई गई है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि थियोरी पॉइंट से तुम हर पॉइंट से कवर्ड हो, ठीक है? वंस यू डू इट टुमारो व्हेन यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन इट यू विल बी मोर कंफर्टेबल। प्लीज डू इट, बहुत ईज वे में करा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करते चलो। ये रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, सारे पुराने पुराने चैप्टर्स भी खत्म होते चलेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, टेक केयर, आई विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।